जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल 9 सितंबर 2021 का दिन था और ब्रिक्स समिट आयोजन किया गया। ये ब्रिक्स समिट काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है 2021 का समिट का, क्योंकि इसमें कई सारे विश्व में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल और महामारी का दौर चल रहा है, इसमें अफगानिस्तान में तालिबान का अधिकार और अमेरिका का वापस जाना, दूसरी ओर म्यांमार में तख्ता पलट, तो ये सब लेकर के ये ब्रिक्स समिट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये वर्ल्ड के सबसे प्रमुख सम्मेलनों प्रमुख समिट में से एक माना जाता है। ये ब्रिक्स समिट जो आयोजित किया गया, इसमें कई सारे कंसर्न थे और कई सारे इश्यूज पे बात किया गया। इन सारे इश्यूज पे बात करने से पहले दो दो शब्द जो बार बार उभर कर आ रहे हैं उस पे बात करेंगे कि पहला 13वीं सम्मेलन और दूसरा 15वीं। ये 13वीं सम्मेलन और 15वीं सम्मेलन क्या है ब्रिक्स को लेकर के, इसके इतर ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो इतिहास इसका ऐतिहासिक इस सम्मेलन का इस जो ये जो संगठन है ब्रिक्स, इसके ऐतिहासिक पहलू क्या है और इनको किन नामों से जाना जाता है, इनका ये सम्मेलन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इस सम्मेलन को 2001 में इसके बारे में प्रथम बार वर्णन मिलता है। उस समय जो वर्णन मिलता है तो ब्रिक्स उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, और उस समय फर्स्ट बार जो इसका वर्णन किया गया वो गोल्ड मैन सैक्स की जिम ओनील द्वारा किया गया था। गोल्ड मैन सैक्स जिम ओनील द्वारा ये कथन दिया गया कि ये चार देश जो है BRIC, मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना, ये अगर चारों मिल जाए तो 2050 तक जो है विश्व के सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभर कर सामने आएगा, और ये व्यक्तिगत रूप से भी प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो लेकिन ये 2001 में इन सम्मेलन इनके बारे में बात किया गया था, ये ब्रिक्स शब्द को गठन किया गया था, सॉरी ब्रिक्स शब्द को दिया गया था, लेकिन उस समय से सम्मेलन आयोजित नहीं किए गए थे। प्रथम सम्मेलन जो इनका आयोजित किया गया वो 2006 में किया गया, और 2006 में उस समय सम्मेलन आयोजित किया गया जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन आयोजित हो रहा था, उसी दरमियान इसको आयोजित किया गया। इस तरह से आप जो 13वां सम्मेलन का जो शब्द सुन रहे हैं ये 2006 से ही निकल कर आया है, क्योंकि 2006 में प्रथम बार जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस तरह से प्रतिवर्ष आप अगर जोड़े तो ये 13वां सम्मेलन हो जाता है। लेकिन फिर 15वां किस चीज़ का, 15वां शब्द का क्यों आ रहा है, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि 2009 में जो है इसको प्रथम बार एनुअल रूप से समिट प्रारंभ हो गया था। 2009 में एनुअल रूप से जो समिट प्रारंभ हुआ तो ये स्थान पर जो था वो ये का तेरिन बर्ग जो रूस में पड़ता है, और 2009 से प्रतिवर्ष इस ब्रिक्स का आयोजन प्रारंभ हो गया, और ब्रिक्स का आयोजन जो प्रारंभ हुआ तो इस तरह से 15 और 21 हो जाता है, और ये 15वां सालगिरह, तो इसको माना जा रहा है, और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनका ब्रिक्स @15 नाम दिया गया है, थीम दिया गया है। ये जो इसमें और अगर बदलाव देखें तो 2010 में जो है प्रथम बार इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, और इस तरह से ये ब्रिक्स बन गया BRICS, एसमिस साउथ अफ्रीका। इसको R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 के नाम से इस संगठन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस संगठन का जो मुद्रा है और उस मुद्रा का जो प्रारंभ नाम है वो R से ही प्रारंभ होता है, ये पाँचों कंट्री का मुद्रा का, जैसे ब्राजीलियन बी से ब्राज़ील और इनके मुद्रा का नाम है ब्राज़ीलियन रियर, वही आर से रसिया और रसिया का मुद्रा का नाम है रशियन रूबर, आर से शुरू हुआ है RUBL, इंडिया का रुपीज, चाइना का RMB और साउथ अफ्रीका का रैंड, इसको साउथ अफ्रीकन रैंड कहा जाता है। ये इनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में जो है मूल रूप से क्या चिंताएं थी, तो जिस तरह से पहले ही शुरुआत में ही चर्चा किए हैं कि जो ये महामारी और आतंकवाद, ये दो महत्वपूर्ण इश्यूज थे। इसके अलावा जो इसमें मूल बातें थी
कि क्षत्रिय जो देश है उसको उसके लेकर के चिंता जुड़ा हुआ था, और भी कई सारे इश्यूज पे बात किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो था वो आतंकवाद को लेकर के उठाया गया। आतंकवाद को लेकर के उठाने के साथ ही ये भारत के लिए सराहनीय बात है कि इनके द्वारा भारत द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव काउंटर टेररिज्म द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये आतंकवाद को क्यों उठाया गया बात, क्योंकि जिस तरह से भारत तख्तापलट हुआ है अफगानिस्तान में, तालिबान का अधिकार हुआ है, उस तरह से भारत जिस तरह से कंसर्न है इन इश्यूज को लेकर के, उस इश्यूज को लेकर के चाहे उतना ही कंसर्न रूस भी है, ये स्पष्ट है। और इसलिए रूस को कई बार रूस द्वारा कई बार इंडिकेट भी किया गया, लेकिन ये इसमें ये दो इसमें भी कोई अस्पष्टता नहीं है कि इसको लेकर के चीन कंसर्न नहीं है। चीन भी इसको आतंकवाद को लेकर के उतना ही कंसर्न है, क्योंकि चाइना जो पिछले दिन में देख रहे हैं कि अब हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है चाइना के नागरिकों पर जिस तरह से अटैक हुआ, या फिर जो भी घटनाएं हुई उसको लेकर के, और चाइना का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा इसमें छिपा हुआ है कि उनका बोर्ड रोड इनिशिएटिव जो 2013 में लाया गया था वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, जिसके तहत जो है पूरे एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। और इन निर्माण को लेकर के यदि पूरे एशिया में अस्थिरता रही तो ये कहीं ना कहीं चाइना के महत्वाकांक्षा पर सीधा आघात होगा, और जिसके चलते चाइना केवल रूसिया ही नहीं, चाइना भी जो है इस सम्मेलन में काउंटर टेररिज्म और आतंकवाद को लेकर के भारत का साथ दिखा। इनमें पड़ोसी देश को लेकर के भी दूसरी चिंताएं थी कि जो अल्पविकसित जो देश पड़ोसी देश है और जिनकी इकोनॉमी महामारी के मार में काफ़ी परेशान हुए हैं, और ये जो अभी कई सारे इश्यूज को सामना कर रहे हैं जिसमें टेररिज्म भी है, उनके साथ क्या किया जाए। तो इस शब्द में आप दो शब्द इनको देख सकते हैं, एक गोल्डन क्रिसेंट और दूसरा गोल्डन ट्रायंगल शब्द आप इस क्षेत्रीय ये एशिया के शब्द में आप सुन सकते हैं। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, तो गोल्डन क्रिसेंट के बारे में बात किया जाए तो ये मूल रूप से तीन देशों को लेकर के इनका नाम गढ़ा गया है, जिसमें तीन देश है, पहला ईरान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान को मिला करके, वही गोल्डन ट्रायंगल जो है वो इसमें भी तीन देश आते हैं, बर्मा, लाओस और थाईलैंड, ये तीन देश है। ये दोनों जो है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये माना जाता है कि यहाँ नशीले पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, और इनको लेकर के काफ़ी चिंता है कि ये नशीले पदार्थ का उत्पादन ऐसा न हो कि पड़ोसी देशों में जो और भी बढ़े, जिस तरह की अस्थिरता आई है म्यांमार और अफगानिस्तान में, तो अगर ये इस ट्रेड को, अनैतिक ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है और आतंकवाद को बढ़ने पलने में और मजबूत होने में काफ़ी सहारा का काम करेगा। तो इन पे कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त किया गया पड़ोसी देशों के लेकर के, कि पड़ोसी देशों में जो है इस तरह के जो व्यापार है उसको बढ़ावा न दे, साथ ही अफगानिस्तान में जो है दूसरे टेररिज्म का अड्डा न बने और दूसरे देशों पे मतलब टेररिज्म का अटैक ना हो, ये इशूज मूल रूप से इसमें दिखा। तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को लेकर के इसके अलावा भी कई सारे इशूज पे बात किया गया, जैसे एग्रीकल्चर पे, कम्युनिकेशन पे, ट्रेड पे, लेकिन इस सब के अलावा जो मूल बातें हैं कि सम्मेलन इससे पहले भी हुई है और सम्मेलन में कई सारे बातें किया जाता ही है, लेकिन ये जो बातें किया गया है इसको कहाँ तक ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाता है और कहाँ तक साथ चलने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अभी जिस तरह से भारत का बार बार आतंकवाद को लेकर के न केवल क्षेत्रीय संगठन जो भी है उसमें इशूज उठाया जाता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो संगठन UNO बना है उसमें भी बार बार इशूज उठाया जाता है, लेकिन उसको सम्मेलन के बाद बंद दस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये सबसे कंसर्न वर्ल्ड लेवल पे सबसे कंसर्न इशूज हो जाता है कि जो भी सम्मेलन में अगर बातें किया जाए और जो भी नीति निर्माण किया जाए उस पे काम हो, ताकि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ही बनकर उलझते ही ना चला जाए, बल्कि उस समस्या का कहीं ना कहीं हल निकाला जाए। धन्यवाद।